डीयर लॉ स्टूडेंट्स एंड जूनियर एडवोकेट्स वेलकमिंग यू इन माई यूट्यूब चैनल लॉ ईजी में एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ एंड इन वेरी बिगिनिंग आई यूज टू से लॉ स्टूडेंट्स बट टुडे आई यूज़ टू से जूनियर एडवोकेट्स वाई आई यूज़ दिस टर्म बिकॉज टुडेज लेक्चर इज टोटली डिवोटेड टू ऑल दी जूनियर एडवोकेट्स एंड न्यू कमर्स हू यूज टू कम इन द लीगल प्रोफेशन तो कानून के क्षेत्र में जो कदम रखते हैं उन जूनियर एडवोकेट्स के लिए आज का ये मैंने लेक्चर बनाया है अनेक मेरे स्टूडेंट्स जो एडवोकेसी में जाते हैं उनका कहना था कि सर कृपया हमें कुछ टिप्स दें क्योंकि एक बहुत स्ट्रगल होती है एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और ये संघर्ष खुद मैंने भी झेला है मैं चाहता हूँ कि कुछ टिप्स आप सभी जूनियर एडवोकेट्स को दे सकूँ ताकि आपने आपको मेरे अनुभव का कुछ लाभ मिल सके और बड़ी ही विचित्र बात होती है यदि आपकी फैमिली से कोई भी लीगल प्रोफेशन में ना हो और आप लीगल प्रोफेशन में जाते हो तो आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है यू यूज टू फील लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज सो कुछ टिप्स हैं इस टिप्स पर अगर आप ध्यान देंगे यू विल गेट अर्निंग आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी एंड यू विल गेट स्पीड अप आपको स्पीड अप मिलेगी आई होप यू विल इन्जॉय दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स फॉर द यंग एंड जूनियर एडवोकेट्स तो आज का टॉपिक है यंग और जूनियर एडवोकेट्स के लिए कुछ टिप्स जैसा कि हमको पता है वी आर डूइंग वर्क इन द लीगल प्रोफेशन हम विधि व्यवसाय में काम करते हैं विधि व्यवसाय मीन्स बार एम बेंच तो बार बेंच का एक जो व्यवसाय है इसको विधि व्यवसाय कहेंगे एंड इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल और ये बहुत ही संघर्ष भरा व्यवसाय होता है क्योंकि बाकी सारे फील्ड में तो हमने एक बार पढ़ाई ख़त्म कर ली तो उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं लेकिन लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें हमको आजीवन पढ़ना पड़ता है लॉ में अपडेशन होते हैं अमेंडमेंट्स होते हैं जजमेंट्स आते हैं तो हमको अपडेट रहना है इसलिए एक, एक स्ट्रगल वाला प्रोफेशन होता है और हमें इसमें ऑन खुद ही लर्न करना पड़ेगा कोई ये लीगेसी ट्रांसफर नहीं होती है कोई ये चिप नहीं है कि कोई हमारे दिमाग में बिठा देगा तो हमें अपने अनुभवों को खुद ही फील करना पड़ेगा ऑन लर्निंग एंड इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क और इसमें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये ऐसा प्रोफेशन है जो अवसरों से भरा हुआ है इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाई बिकॉज इन फ्यूचर यू यू आर लुकिंग दैट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि आज जीवन क्या होता जा रहा है बहुत जटिल होता जा रहा है बात बात पर विवाद होने लगे हैं लोगों की सहन शक्ति कम हो गई टॉलरेंस पावर कम हो गया है तो आजकल विवाद बहुत बढ़ गए और विवाद बढ़ गए इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि लीगल प्रोफेशन का भविष्य उज्जवल है क्योंकि विवाद होंगे तभी ये विवादों का निपटारा करने के लिए कोर्ट में आएंगे और कोर्ट में असिस्ट करने के लिए वकील की जरूरत पड़ेगी तो इस प्रकार हमारा व्यवसाय जो है बहुत ही उज्जवल भविष्य है क्योंकि विवाद बहुत है हालांकि विवाद नहीं होना चाहिए इसी हमारी हार्दिक इच्छा है लेकिन जिस प्रकार से समाज में लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है जीवन शैली हो गई है तो सोसाइटी में डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है तो इस वजह से विवाद बहुत बढ़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में लीगल प्रोफेशन में तेजी से केसेस आएंगे अब चूंकि हम एल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग एडवोकेट्स हैं वो 21 से लेकर 25 साल हो जाते हैं उनको एल कवर करने के बाद लीगल प्रोफेशन में आने में तो नॉर्मली 21 से 25 साल में हम आते हैं और एक ऐसी एज होती है जब परिवार आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगता है परिवार को एक्सपेक्टेशन करने लगता है क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है यू गॉट डबल ग्रेजुएशन आपके पास डबल ग्रेजुएशन हो चुका है फैमिली एक्सपेंसेस हो चुके हैं फैमिली एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेशंस होती है डबल ग्रेजुएशन हो गया है ओन नीड्स आपकी खुद की भी नीड्स होती है अब इन सब चीज़ को कोप अप करने के लिए जब आ, कोई भी स्टूडेंट या जूनियर एडवोकेट जब कोर्ट में आता है तो वो देखता है यहाँ पर तो आ, उल्टा मिलता तो नहीं है उल्टा जेब के खर्च लग जाता है आने जाने का एक्सपेंसिस लग जाता है तो जो सीनियर्स हैं कई बार ये भी एक जूनियर्स का बड़ा आ, आ, ये चिंता का विषय रहता है कि सीनियर्स जो रहते हैं दे आर नॉट कोऑपरेटिंग वो उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं जूनियर्स को सैलरी तो मिलती नहीं है और लॉट्स ऑफ स्ट्रगल और बहुत सारा स्ट्रगल होता है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और आपको कुछ मिलता नहीं है तो इस स्थिति में डिसटिस्फैक्शन होता है निराशा होती है हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है डिसकरेजमेंट हो जाते हैं हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं डिस में निराश हो जाते हैं और कई लोग तो ये फील्ड छोड़ देते हैं तो ऐसे स्थिति में ऐसे यंग और जूनियर एडवोकेट्स के लिए कुछ ये सात टिप्स हैं अगर इन सात टिप्स पे अगर शुरू में ध्यान देंगे तो विद इन वन ईयर यू विल बी इस्टैब्लिश मेरा दावा है कि एक साल में आप स्टैब्लिश होंगे और यू विल स्टार्ट यूर अर्निंग ऑल्सो तो आइए स्टार्ट करते हैं सातों टिप्स को लेकर सबसे पहले ओन लर्निंग जिस भी दिन आप न्यायालय जा रहे हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि आपको लर्न करना है हर हर एक व्यक्ति से सीखना है हर चीज सीख दी आपको और ये कैसे होगा ओन वॉचिंग आपको स्वयं वॉच करना है कोई सिखाने वाला नहीं है तो आपको स्वयं वॉच करना है कि हमारे सीनियर कैसे बिहेव कर रहे हैं कौन को, सा ऑर्ग्यूमेंट कैसे हो रहा है किस प्रकार जज रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको ऑन वॉचिंग माइन्यूटली आपको माइन्यूटली एक हर बात को वॉच करना पड़ेगा और चूंकि लीगल प्रोफेशन पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रोफेशन है यानी एक पूरी मनोविज्ञानिक मनोविज्ञान मनो का प्रोफेशन है ये पूरे आपको दिन भर क्लाइंट से मिलना है क्लाइंट का मनोविज्ञान समझना है उसके हाव भाव समझना है हाउ टू टैक्स फीस फीस कैसे लेनी है हमारे सीनियर कैसे फीस ले पा रहे हैं किस प्रकार से बात कर रहे हैं उस पर क्लाइंट्स का क्या रिएक्शन है ह्यूमन साइकोलॉजी क्लाइंट्स क्लर्क पुलिस जजेस रीडर्स इन सबके के हाव भाव इनके जेस्चर्स इनकी बातचीत इन पर आपको पूरा माइन्यूटली ध्यान देना चाहिए मोर रीडिंग आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए uh, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग होना चाहिए जितने भी लॉ के जजमेंट्स आते हैं उनको पढ़ना चाहिए प्लेन्ट्स कोई भी दावा प्रतिदावा आपको जहाँ मिलता है थोड़ा बहुत उस पर नज़र घुमाना चाहिए देखना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट की आप में आदत होनी चाहिए चौथा पॉइंट लीगल ड्राफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात है कानून की ड्राफ्टिंग अगर आपकी मजबूत होगी तो आपका लीगल प्रोफेशन बहुत तेज़ी से चल पड़ेगा और ये लीगल ड्राफ्टिंग तभी मजबूत होगी जब आप इसकी कोई बुक्स कोई ना कोई किताब जरूर खरीदी है और लीगल ड्राफ्टिंग के जो फॉर्मेट्स हैं बहुत कानूनों में बहुत शेड्यूल्स दे रखे हैं शेड्यूल के पीछे भी अगर आप सीपीसी देखेंगे तो सीपीसी में भी पीछे बहुत शेड्यूल्स में दावों के ड्राफ्टिंग दे रखी है सीआरपीसी का जो सेकंड शेड्यूल है सीआरपीसी में छप्पन ड्राफ्ट दे रखे हैं अगर एक बार आप समन का ड्राफ्ट वारन का ड्राफ्ट कुर्की का ड्राफ्ट ये सारा ड्राफ्ट पढ़ें उसकी वर्ड्स को देखिए उससे आपकी लीगल ड्राफ्टिंग तेज़ी से डेवलप होगी टेक योर ओन क्लाइंट्स आप चूँकि अब जब आप कोर्ट जाते हैं तो आपके स्वयं को कई लोग आपसे मिले कि आपको वकील ही समझते हैं वो ये नहीं समझते हैं, आप सीनियर है जूनियर है वो आपको केस लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं वो केस किसी और को आप दे दें वो केस आप खुद लीजिए उनकी बातों को समझिए ज़्यादा लेकिन क्लाइंट का केस भी नहीं बिगाड़ना है इसीलिए हम उसको असाइन करें अपने सीनियर को करें किसी एडवोकेट फ्रेंड को करें और उसमें से खुद एक्सपीरियंस यानी उसमें से खुद अनुभव सीखिए भले असाइन करें लेकिन हर स्टेज पर उसकी एक फाइल आपको बना के स्वयं के पास रखनी चाहिए और हर स्टेज पर उसको देखना पड़ेगा ये चीजें आपको करनी है प्रॉपर फॉलोअप फिर आपका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए हर केस को लेकर एवरी हियरिंग हर केस में आपका फॉलोअप होना चाहिए फाइल देखनी चाहिए केसेस को बराबर देखना चाहिए और सबसे आखिरी में ओन डायरी खुद की एक डायरी जरूर मेंटेन करें दिन प्रतिदिन में सिर्फ तारीखें लिखने के लिए डायरी नहीं ये डायरी किसी और चीज के लिए मैं कह रहा हूं आपको ये डायरी डे टू डे लर्निंग के लिए आपने आज दिन भर में क्या सीखा कौन कौन सी नई बातें सीखी और और क्या जुडिशल प्रोसीडिंग्स हुई आज के दिन वो आप उसमें नोट करें और इस डायरी को प्रति वीक यानी जिस दिन छुट्टी है संडे उस संडे को मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों ने क्या किया उसको जरूर रीड करें ये सात टिप्स अगर यदि आप करेंगे आई अश्योर यू विद इन वन ईयर यू विल बी स्टैब्लिश लॉयर एंड यू विल ऑल्सो अर्न सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई जूनियर एडवोकेट्स एंड ऑल द एल एल बी स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी थैंक यू सो मच